आज हम बात करने वाले हैं कि रावण जो कि बहुत ही महान ब्राह्मण हुआ करता था, वो अलग बात है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी जिसके बाद उसको पछताना पड़ा था और वो मारा भी गया था, लेकिन वो था बहुत ही महान और था बहुत ही ज्ञानी, जो कि हम सभी को पता है। उस रावण ने औरतों के बारे में कुछ दुर्गुण बताए हैं, या कुछ कह सकते हैं बुरी बातें बताई हैं। हम आपको चार बुरी बातें बताने वाले हैं, टोटल उसने आठ बताई हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे चार ऐसी बुरी बातों के बारे में जो कि औरतों के बारे में तब भी सच थी और कहीं ना कहीं आज भी सच है। वो कितनी सच है कितनी झूठ है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद ही डिसाइड करना है। मेरा काम बताना है, उस पर अमल करना आपका काम है। तो चलिए जानते हैं कि औरतों के बारे में ऐसे कौन कौन से दुर्गुण रावण ने बता दिए जिससे कोहराम मच जाता है और लोग बहुत ही भावुक हो जाते हैं उसको लेकर, और रावण के बारे में भरी और बुरी बुरी बातें कहते हैं। तो कौन सी बातें हैं? सबसे पहली चीज रावण कहता है कि जो औरतें होती हैं वो साहसी तो होती हैं, लेकिन वो सही समय पर सही जगह पर साहस का प्रयोग कभी भी नहीं करती। उनमें बहुत ताकत होती है, वो बहुत साहसी होती हैं, लेकिन अपने साहस का प्रयोग वो हमेशा गलत तरीके से, गलत जगह पर और गलत इंसान पर करती हैं। आप अगर आजकल एग्जांपल पे देखें तो आजकल क्या होता है कि जो औरतें होती हैं ना, वो बाहर तो बहुत ही बोल्ड बनती हैं, लेकिन घर पर वो बहुत शिकार हो रही होती हैं अपने खुद के पति का। उनके पति उनको पीटते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, लेकिन औरतें कभी भी नहीं बोलती और वैसे वो दिखाती हैं जैसे कि वो बहुत बोल्ड हो। तो जहाँ उनको ताकत दिखाने होती है वो ताकत कभी भी नहीं दिखाती। जब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती तब वो बोलती हैं, तब वो गुस्सा करती हैं, और जब सच में अपना स्टैंड लेना होता है तो अपना स्टैंड नहीं लेती। और यही चीज रावण समझ गए थे और वो कहते हैं कि जो औरतें होती हैं साहसी तो होती हैं, बेशक साहसी होती हैं, लेकिन साहस का प्रयोग सही जगह पर, सही इंसान पर, सही तरीके से कभी भी नहीं करती। दूसरी चीज रावण बताते हैं कि जो औरतें होती हैं वो झूठ बहुत बोलती हैं। अब देखिए, हालांकि मैं मानता हूं कि इसको औरत और के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि झूठ तो हर एक इंसान बोलता है। मैं भी झूठ बोलता हूं, तुम भी झूठ बोलते हो, तो औरतें भी झूठ बोलेंगी क्योंकि वो भी इंसान है। लेकिन रावण यहां क्या कहने की कोशिश करें, थोड़ा हम समझने की देखें तो फिर हमें समझ में आएगा कि वो कहते हैं कि जो औरतें होती हैं ना वो कोमल हृदय की होती हैं और कई बार कोमलता दिखाने के लिए वो झूठ भी बोल देती हैं। जैसे कि जो औरतें होती हैं वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, वो कभी भी किसी को दुख में नहीं देख सकती, तो झूठ बोल देती हैं। जो मर्द होते हैं ना उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, जो मर्द होते हैं उनको आमतौर पर कठोर हृदय वाला माना गया है, जबकि ऐसा पूरे तरीके से भी सच नहीं है, लेकिन वो भी इंसान है ना, तो वो भी तो कोमल हृदय के होंगे ही ना। लेकिन कोमलता औरतों में थोड़ी ज़्यादा होती है, तो झूठ बहुत बोलती हैं और वो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलती हैं। आपने देखा होगा, आपने घर पर भी देखा होगा, बाहर भी देखा होगा, अपने दोस्तों यारों में जो औरतें, जो लड़कियाँ होती हैं वो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलती हैं और कई बार इतनी सच्चाई से, कई बार इतनी सफाई से सच आई मीन झूठ बोल देती हैं कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये क्या बोल दिया। तो रावण इसी के बारे में जिक्र करते हैं। रावण आगे कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो अस्थिर होती हैं और चंचल होती हैं, उनका मन डगमगाता रहता है, वो कभी भी एक जगह फोकस्ड नहीं रह सकती, रिश्तों में भी, बातों में भी। आपने देखा होगा कि लड़कियां, जो औरतें होती हैं, वो कभी एक बात कहेंगी, कहते 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 कुछ देर बाद अपने ही बातों का अपोज करने लग जाएंगे। आप बोलोगे यार अभी थोड़ी देर पहले तुमने ये कहा, अभी तुम कुछ और कह रही हो। बोली कह रहे नहीं मैं ऐसा कह रही थी, तुम मुझे समझते नहीं हो ऐसा था। लड़कियां और औरतें ऐसा करती हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, तो उनका कभी भी माइंड स्थिर नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल रहता है। कई बार या तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, और कई बार बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, है ना। तो जो औरतें होती हैं वो ऐसी ही होती हैं और रावण ने ऐसा ही बताया है। आगे अगर हम ध्यान दें तो रावण कहता है कि जो औरतें होती हैं वो थोड़ी मायावी होती हैं, थोड़ी स्वार्थी होती हैं, थोड़ी लालची होती हैं। आपने बहुत कम देखा होगा कि कोई एक मर्द किसी औरत से इसलिए शादी कर रहा है कि उसको बहुत सारा ना दहेज मिल जाएगा। अब ऑब्वियसली दहेज मिल जाएगा, आप कह लीजिए पैसा मिल जाएगा, जो भी लालच है ना। अब और जो मर्द होते हैं वो लालच में फंसते हैं ब्यूटी को लेकर, उनको चाहिए कि एक बहुत ही सुंदर बीवी आ जाए मेरी, वो भी एक तरीके का लालच है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा,
लेकिन जो पैसे का लालच है ना, वो अक्सर लड़कियों की तरफ से देखा जाता है। जो लड़कियों के घर वाले होते हैं वो हमेशा उस लड़के से शादी करवाने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत अमीर हो, बड़े बड़े घर हों, है ना, बाप बिजनेसमैन हो या बाप सरकारी नौकरी वाला या बेटा सरकारी नौकरी वाला चाहिए। लेकिन वही अपोज कर रहे होते कि दहेज क्यों मांग रहा है लड़का, तुम्हें चाहिए कि लड़का बहुत कमा रहा हो, बहुत ज़मीन जायदाद हो उसके पास, हैं तुम तो स्टेबिलिटी देख रहे हो और आप दहेज का अपोज कर रहे हो। मैं दहेज का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ ये बोल के, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दहेज बिल्कुल गलत चीज़ है, 100% गलत चीज़ है, 101% गलत चीज़ है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर ये भी देखना चाहिए कि लड़के की क्वालिटी पहले देखो, ये मत देखो कि कितना पीछे कितनी ज़मीन है, जायदाद है, कितने बड़ा महल खड़ा कर रखा है, ना लड़के में दम होना चाहिए, लड़के के पीछे बैकग्राउंड में इतना नहीं देख ताका झाकी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, ये रावण ने नहीं कहा था ऑब्वियसली, लेकिन रावण कहता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो मायावी होती हैं, स्वार्थी होती हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर गुजर सकती हैं। उनको अगर लालच सवार हो गया तो सामने क्या है, कौन सी कितनी गलत चीज़ है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो उस गलत चीज़ को कर ही देती हैं। और वो थोड़ी माया भी होती हैं, वो माया का जाल रचती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो लड़कियां होती हैं, जो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां होती हैं, माया जाल रचती हैं, वो दिखाती हैं कि आया आओ मेरे प्यार में फंस जाओ, और जब फंस जाते हैं लड़के तो फिर आपको पता ही है, है ना। तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ लड़कियों की, जस्ट ये टॉपिक ही इसी चीज़ पे, तो मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एग्जांपल कितने सही हैं, कितने खराब हैं, कितने झूठ हैं, वो आपके ऊपर है। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कि आप कितना ज़्यादा इस पर अग्री करते हो, आप कितना समझते हो कि ये चीज़ रावण ने सही बताई है। अगर इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स आते हैं, जो कि अगर 2000 हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं, अगर आते हैं तो हम पार्ट 2 बताएंगे, जिसमें हम बाकी की चीज़ें बताएंगे जो कि रावण ने औरतों के बारे में बताई थी। आपने इस वीडियो को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करके ही जाएँ।